के अंदर और वहां जो जितने भी स्टेट्स के अंदर संगठन हैं जो उस गोल में समय संगठन से संबंधित उन सभी संगठनों का पूरे भारत के जितने भी राजपूत समाज के संगठन हैं जो गोल मैच को अपना प्रतिनिधित्व मानते हैं उन सबका पूरे भारत का संगठनों का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे बनाया और उनकी हवा निकल गई मेरे नौजवान साथी जो कल तक मुझे कहते थे ये तो खुद अपराधी है, इसने तो थाने में मर्डर किया, कोर्ट में मर्डर किया, गांव की चौक में मर्डर किया, गलियों में मर्डर किए। हां मैंने किए मर्डर और भी करने की क्षमता रखता हूं। किनको दफनाया जमीन में, किनको बहाया पानी में, उन गद्दारों को जो हमारी बहन बेटियों को राजगढ़ के अंदर नहीं चलने देते थे। हम तुम्हारे साथ में मेरे नौजवान साथियों, किनको बहाया सुखदेव सिंह ने, उनको जो ये हाथ का नारा देख करके तुम्हें गोला कह करके पुकारते थे कि गोले ये नाल खोल, ये गोला ये मूर्ति खोल, मूर्ति उतार, मूर्ख का बंट नीचा कर उनको पानी में बहाया और वो गोला कहने वाले थे वो सारे खुद गोले होके पानी में बह गए। मेरे नौजवान साथियों, आज हम लोग आनंद पाल जी के नाम पर उनके परिवार के साथ लाखों की तादाद में हैं और रहेंगे जब तक इस चीज के अंदर, इस जिस्म के अंदर एक एक सांस बचेगी, एक एक खून का कतरा रहेगा, तब तक इस मां के साथ रहूंगा, रहूंगा। जब तक इस शरीर में सांस है, एक एक खून का कतरा है, इस मानसर परिवार के साथ रहूंगा। मेरे नौजवान साथियों, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस क्षेत्र के काफी लोगों पर 307 के मुकदमे दर्ज हैं, काफी जेल में भी हैं, काफी रह करके हैं, जमानतों पर हैं। आनंद पाल जी का कोई नाम ले लेता था या कोई घर में पानी पिला देता था उसको ये निकम्मी सरकार के जो तो जनता की ड्यूटी नहीं करते, जो इस सरकार की ड्यूटी नहीं करते, तो नेताओं के टुकड़ों पर पलते हैं, नेताओं के टुकड़ों पर पलते हैं और चलते हैं उन कुत्ते पुलिस वालों से। मैं उनको हमेशा कुत्ता ही बोलता हूं। जो जनता की नौकरी करता है, सरकार की बेल्ट की नौकरी करता है, उसको सुखदेव सिंह पहले निःशुल्क करता था और आज भी कर रहा है। कोई भी आनंद पाल जी का नाम लेता था या उनको रख लेता था या पानी पिला देते था, उसको पकड़ करके अंदर डाल दिया जाता था और 307 से नीचा कोई मुकदमा नहीं होता था, होता था या नहीं होता था। मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों की ताकत माता श्री का आशीर्वाद से यहां रतनगढ़ के अंदर उनका पोस्टमार्टम हो चुका था, बॉडी सुपुर्दगी पे साइन हो चुके थे, यहां से बॉडी लेकर के चलने वाले थे, शमशान भूमि में लकड़ियां जलवा दी गई थी और घर के आगे जब मैं पहुंचा वहां आरती बन रही थी, बांस बूस बांध करके एकदम तैयारी कर रखी थी। मैं गया, मेरे से पहले वहां 15 या 20 लड़के खड़े थे घर के आगे,
जैसे ही मैं जाकर के उतरा, उनमें से दो चार ने क्या कहा, ये आ गए चमचे और दलाल। मैंने सुना और उस बात को अनसुना कर दिया। उतरते ही मुझे यह समझ में आया, मैं अंदर माता जी के पास गया, इनसे बातचीत की। माता जी को मैंने कहा कि मम्मी, यहां जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े नेता आएंगे, बड़ी बड़ी तोपे आएगी, हमारे जितने भी रिश्तेदार है सबको लाया जाएगा और एक ही बात की जाएगी कि आपकी सब मांगे मान देंगे, आप जो कहोगे वो कर लेंगे। आप तो पहले दुरुपति हो रही है, ये जो बॉडी है इसका अंतिम संस्कार करवा दो, इसका दाह करवा दो। तब इसी माता जी ने, इसी मां ने मेरे को कहा था कि बेटा जो तू करना चाहता है वो कर, वो जो जाना था वो चला गया, पर मैं एक जवान देती हूं कि जब तक सुखदेव सिंह गोला मेरी के होठ गिर करके मुझे ये नहीं कहेंगे कि माता जी इसका दाग लगा दो, दाग नहीं होगा इस बॉडी का, इस मेरे बेटे का। वहां अन्य समाजों के, हमारे समाज के काफी लोग जाते थे सरकार से मैनेज होकर के, और एक ही बात कहते थे कि इसका दाग करवा दो, हम आपकी हर बात मान लेंगे। मेरे नौजवान साथियों, आपने मंत्री विधायकों का वो वीडियो तो वायरल हुआ था, जयपुर से सुना होगा, आपने देखा होगा, करीब करीब सोशल मीडिया पे आया था। उसमें राजपूत समाज के सारे मंत्री विधायक थे और वो क्या बात कर रहे थे, यहां से टॉप क्लास मैनेज होकर के जाते थे ये लोग और वहां जाकर के पलट जाते थे। वो जो मैनेज होकर के जाते थे दाग कराने के लिए, वो वहां जाकर के पलटते नहीं थे, हम दोनों पलट देते थे, उनकी बात हम नहीं मानते थे। मेरे लोग हमने कहा था लिखित में सीबीआई जांच का आर्डर दे दो और चाहे आज ही दाग लगा दो, कोई आपत्ति नहीं हमें, परवा आश्वासन से हम नहीं मानेंगे। मेरे नौजवान साथियों, और वहां जाते ही मैं मम्मी जी के पास अंदर बैठा था, बाहर रोड पर झगड़ा हुआ और झगड़े के अंदर पुलिस ने गोली चलाई सावरात के अंदर, सुबह सुबह ही 25 तारीख को, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठी चार्ज किया, हमारे 14 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, मेरे नाम से 360 का मुकदमा दर्ज कर लिया। जो यहां इस क्षेत्र में करते थे ना, वही काम वहां कर दिया जाते हैं, कहीं सौ 307 मानने टेक दो चेत दो, पीछे कौन बोलेगा। पर मेरे नौजवान साथियों, मेरे से पूर्व वक्ता बता करके चले गए आपको, उन 14 भाइयों को इन्होंने ढेर करके मारा, कूटा पीटा, उनके बाल तक उखाड़े, उनको पेशाब तक पिलाया। और जिस दिन बाजी हमारे हाथ में होगी, उस दिन उनको पेशाब भी पिलाएंगे, उनकी जख भी पाड़ेंगे। मेरे नौजवान साथी, और उसके लिए आप लोगों का साथ और सहयोग चाहिए। शहीद पहले भी बहुत हुए हैं आंदोलनों के अंदर, आंदोलन भी खूब हुए हैं, पर वो शहीद की उस मनाना, उन शहीदों के लिए बड़ा कैंप लगाना, उनकी कंटिन्यू देखरेख करना, मैंने कभी सुना होगा आप लोगों ने, मेरे नौजवान साथियों। पर आज इस पूरे भारत का राजपूत